देखिए महात्मा लोग सेवा कर रहे हैं। सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक कम करवा सकदा है। सतगुरु चाहे हर बंदे हो, सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक कम करवा सकदा है। गुड मॉर्निंग एंड प्यार भरा धन्यवाद जी। आज का बात ऐसा कि आज है विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2023, और अभी मैं रूम से नहा हुआ कर खाना वाना खा लिया सुबह सुबह, उतना तो खाने पे अभी जस्ट जा रहा हूँ समालखा, सत्संग भवन समालखा पानीपत। तो हम जा रहे हैं, अब मेरे साथ भैया भी जा रहे हैं और भैया का एक दोस्त है वो भी जा रहा है, तीनों जा रहे हैं। लेकिन अभी तीनों अलग अलग रूम से डिवाइडेड है, हम अपने रूम से निकल चुके हैं, भैया भी जाएंगे, बट अभी जहाँ से गाड़ी खुलेगी, यहाँ सत्संग भवन होता है वैसे, तो वहाँ से एक बस जा रही है, तो बस के थ्रू हम लोग जाएंगे। सुबह सुबह कुछ ऑन द वे मॉर्निंग का भी वैसा है, लोग किला बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, साइड साइड में मॉर्निंग में दुकान खुला हुआ। तो फाइनली पहुँच गए, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सत्संग जानकारी और स्कूल है, यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ते हैं लिखा हुआ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, संत निरंकारी एसआर सेक्शन स्कूल पहाड़गढ़ न्यू दिल्ली, ये इसका मेन गेट है। और इस तरफ इतने सारे महात्मा लोग जा रहे हैं, आज माता जी के चरण कम लोग आपके हाथों से उद्घाटन होने वाला है। देखते कौन बस है, ये जो आप बस देख रहे हैं आई थिंक यही बस है, इसी के थ्रू हम लोग जाएंगे। भैया अभी तक आए नहीं हैं, उनको आने तक वेट करते हैं अभी। ये भैया भी आ गए, अरे बस फूल भी हो गया, भर भी गया। सो फाइनली देखिए हम लोग पहुंच गए समालखा सतंगेरा मेन गेट, और सभी लोग देखिए बस से आ रहे हैं धीरे धीरे, ये बस से आए। और इस तरफ कुछ ऐसा नज़ारा, ये लोग आ ही रहे हैं, चला पानी पीने। तो फाइनली देखिए ये है मेन ग्राउंड जहाँ पे सत्संग होगा, और इस तरफ का कुछ ऐसा भी। हम लोग जा रहे हैं उस तरफ, इस तरफ मेन यहाँ सत्संग होगा, और उस तरफ का नज़ारा कुछ अलग है। अभी हम लोग हैं ऑन द हाईवे रोड की तरफ, और हम लोग का पिछले साल जो टेंट बना था वो था रेलवे स्टेशन की तरफ, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, 2 किलोमीटर के आसपास। अब जा रहे हैं वहीं उस तरफ, देखते हैं। देखिए नीचे का कुछ रोड का भी वैसा है, छत ठीक है, पानी जब पड़ेगा रोज तो सही हो जाएगा। लोग आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, अभी देखिए सब लोग अभी बस से आ ही रहे हैं, क्योंकि सत्संग का शुभारंभ है ना। मत और इस तरफ पंडाल देखिए अभी बन ही रहा है, पिछले बार आए थे तो हम स्लॉट हो गया था रोड पूरा, धीरे धीरे हो जाएगा ये भी 1-1.5 महीना के अंदर अंदर। हम जा रहे हैं आगे, देख के आते हैं रेलवे स्टेशन तरफ क्या होता है। अभी तो देखा जाता है, अभी यहाँ देखिए खंभे खड़ा रखे, ये खंभा धीरे धीरे सब बन रहा है अभी। आवाज़ देखा जाता 17 सितंबर है, तो देखा जाता सितंबर यानी अक्टूबर, अभी 1 महीना के आसपास टाइम है। और इस तरफ देख रहे होंगे संत निवास है मेन रोड, आज एक महात्मा से पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं जी इतने सारे सेवा दल, बोले नोएडा से, बोले कि तो कितने दिनों के लिए, अभी रहेंगे जी सेवा करेंगे, अच्छी बात है।
और इस तरफ देख रहे हैं जो ऐसे लग रहा है लाल लगा हुआ के तारे जैसा, ये सब कट जाएगा। और इस तरफ देखिए यह है लंगर बने यहाँ पे। तो अभी तो सिर्फ बाहर से तो जाली लगाया गया हुआ, और इसमें आई थिंक हम लोग लंगर करते थे। और पहली बार जब आए थे पिछले साल तो यहाँ पे था सेवादल कैंप का, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सीनियर अधिकारी लोग यहाँ रहते थे, वहाँ पर प्याव सेवा था। ये पेड़ भी मुझे याद है। और आगे चल के देखते हैं, पहुँच ही गए हैं ग्राउंड नंबर डी तरफ। ये रहा मेन गेट, क्रॉस कर लिए और इस तरफ भी रूट है और इस तरफ भी रूट है। उसके बाद एक गेट है, इसके बाद हम लोग का टेंट था। और चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए इस तरह हम लोग पानी छिड़काव करते थे, और वो सामने वाला जो देख रहा है ना, ये सामने वाला वो था मेन गेट। अब इस तरफ देखिए घास उस सिलाया ना, बस सिला जाएगा। अरे पेड़ अभी तक है, ये है यहाँ पे पानी टंकी था। और हम लोग का देखिए टेंट उस तरफ था, बाउंड्री तरफ, लास्ट तरफ। अरे वही शौचालय, पिछली बार शौचालय पेंट नहीं हुआ था लेकिन इस बार हो रखा है पेंट। और ये पेड़ के पास थोड़ा आराम करते हैं क्योंकि धूप है थोड़ा। जब हम लोग पानी छिड़काव करते थे रात में यहीं पर आराम से बैठ उठ के 2 बजे आराम करते थे। क्या मस्त सुहाना मौसम, हवा चल रहा है। पहले हम पहुँच गए उस जगह पे, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, पिछली बार हम लोग इसी जगह पे आके ठहरे थे। ये बाउंड्री आगे से लेफ्ट हो जाइए, वहाँ पे देखिए सब पूरा एक ट्रेन भी आ रहा है देखिए। और अभी देखिए लोग महात्मा लोग सेवा कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास। देखिए महात्मा लोग सेवा कर रहे हैं, हवा भी चल रहा काफ़ी ज़ोर से। ग्राउंड नंबर डी में सेवा कर रहे हैं लोग। और इस तरफ अभी धीरे धीरे सब पंडाल तैयार हो रहा है। हाँ पेड़ का सुहाना उस तरफ। तो ये रहा ग्राउंड नंबर डी का कुछ अभी इस प्रकार नज़ारा है 17 सितंबर को। और कुछ दिन बाद सही हो जाएगा, 1 महीने के आसपास। इन लोगों से मैंने बात किया, तो इन लोग हैं हरिद्वार से, और इन लोगों ने ठेका दिया जाता है कि इतना दिन आपको तैयार करके देना है। मैंने बात किया कि कितना दिन पहले आप लोग आए थे, तो बोले कि 15 दिन हो रहा है, आए हुए 15 दिन। और बोले कि कब तक फाइनल कर दीजिएगा, तो बोले कि अगले महीना यानी कि सितंबर अक्टूबर 25 तारीख तक हम लोग एकदम फाइनल कर देंगे, उम्मीद है कि कर देंगे पहले ही। तो यहाँ का नज़ारा मैंने देख लिया, पिछले बार आया था, घूम फिर कर अब जा रहे हैं लंगर करने। ये सब लंगर सेवा वाली लाइन है, निष्काम भाव से जैसे आज का कोट भी। और इस तरफ देखिए लंगर सब ले रहे हैं सब महात्मा लोग। सो फाइनली अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, नमस्कारी लाइन में। मैं आपको दिखा दूँ, खत्म हो गया। और इस बस के माध्यम से हम लोग अपने रूम पे निकल रहे हैं। तकलीफ है।